वेलकम टू सम्राट शर्मा ब्लॉग। आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ स्कूल से आते हुए। स्कूल से घर आते हुए लेटर। आधे तो 6 में से 4.5 तो 5 डेढ़ नंबर ही तो कटा। अच्छा ही है। उसमें क्या है? बच्चों का फेवरेट शॉप। क्या लेना है? परीके की चीजें मिल जाती है अंकल जी के। वही तो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सब मैं आ चुका हूँ अब स्कूल से और पापा मेरे लिए लाए थे कल बहुत बड़ा गिफ्ट। आप देख ही रहे होंगे पीछे से। ये है गाइस एक टेंट जो एक नॉर्मल टेंट है पर मैट से बना हुआ। बट ये टेंट इसलिए लगाया है क्योंकि जो मच्छर होते हैं उनसे बचने के लिए। तो चलो आते हैं इस मैट के अंदर। ये रहा इसका मेन डोर। ओ गाइस मैं आ चुका हूँ अब अंदर और अब मैं लेट चुका हूँ। यहाँ पर देखो मेरा गेम भी पड़ा हुआ है और मेरा टैब भी क्योंकि मैं करूँ मम्मी करेंगी एडिटिंग। फिलहाल अभी मैं स्नीकर्स खाऊंगा। मम्मी स्नीकर्स है ना? मम्मी हाँ? फैन तो ऑन कर दो बहुत गर्मी लग रही है। सोच रहे नेट के अंदर आदमी बैठा है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अभी भी मच्छर नहीं काटेंगे पापा और मुझे। सीरियसली मच्छर काटते हैं? मम्मी को तो नहीं काटते। आ गए अपने स्पीकर्स खाते से पहले इसे यहाँ पर। दो हाथ पाई गए। और स्कूल में क्या हुआ आज? आज स्कूल में स्विमिंग हुई। और तुमने स्विमिंग नहीं करी अब अगली बार करोगे? वेरी गुड। लो मम्मी क्या ना चलो कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे जंगल में हो और ना कैंपेनिंग कर रहे हो। हैं हाँ। चलेंगे पापा और मैं गए थे एक बार। हमने की थी हम धनौल्टी गए थे करने। 10 दिन रुके थे हम लोग वहाँ। 10 दिन हो गए। 10 दिन लेट है। आए हुए स्कूल से बहुत देर हो गई है और वो अभी तक पढ़ाई नहीं कर रहा। देखो क्या कर रहे हो? तो टीवी देख रहा। अब पढ़ाई कब करोगे? इतने घंटे हो गए तुम्हें आए हुए। नेट की गर्मी खेली है तब चलो चलो पढ़ने चलो। अब 4 बज गए। मम्मी 4:30। हाँ तो होमवर्क भी तो करना है। तुम्हारे 3 मिस्टेक किए थे तुम्हारा डेढ़ नंबर कट गया स्कूल में। 1 hour later. ये है एमएस की बुक और ये जैसे कि ये है 1 और 2 तो मैं लिख दूंगा यहाँ 1 और यहाँ लिख दूंगा 2। अब जैसे कि है 1 और 3 तो मैं लिखूंगा 1 और 3। ये 1 और 5 तो मैं लिखूंगा 1 और 5। देखो जो भी चीज हो जो भी हम 5 बनाएंगे एबेकस की भाषा में तो ये बनाएंगे। ओके ये 5 है। हाँ। तो एबेकस के फायदे हैं मतलब है ना? 6। ये होमवर्क दिया है तुम्हें? हाँ। क्या है होमवर्क दिया है? अच्छे से करो फिर से। हे गाइस मैं दिखाता हूँ कि जो एबेकस होता है उसकी काउंटिंग कैसे होती है। जैसे 1 2 3 4 क्लोज 5 6 7 8 9 10 11 20 तक 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20।
ओके तो ऐसे ही मतलब ये तो मैं ये जो बनाया तुमने ऐसे करके इसके अंदर जीरो होता है ना, और टू और ऐसे कर दिया ना, तुम्हें पता है मम्मी ये तो हुआ 20 तो 20 तो ये हुआ ना। हाँ तो अब क्या करा तुमने, जीरो फिर तुमने अभी क्या किया 21 मेरे को भी आ गया 22 23 24 ये तो हुआ, ये क्या है 1 2 3 4 ही तो है, ये बंद है 21 22 23 24 क्लोज 25 बड़ा कठिन हो जाता है। तुम्हें आ गया? इससे फायदा होता होगा ना मैथ्स में? मैथ्स में देखो कैलकुलेशन के लिए ठीक है, अगर आपको कोई टेंस और वंस करना हो तो आप कर सकते हो। वेरी गुड, अच्छा है फिर, है ना? तो गाइस ये है एबेकस और ये सेकंड क्लास की बुक है और इस तरीके से इसमें काउंटिंग सिखाई जाती है। अब जैसे ही आप बड़ी से बड़ी काउंटिंग ना इसमें सिर्फ फिंगर से कर सकते हो तो ये आपका जो मैथ्स होता है ना उससे बहुत इम्प्रूव करते हैं। स्टार्टिंग में आपको अब दिखाता हूँ कैसे वर्क करना। Later. Hey guys, तो आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज आया एक तो नेट का क्या कहते हैं मच्छरदानी आई और मच्छर नहीं काटेंगे ना। हाँ, और सबसे बेस्ट मुझे लगता है एबेकस। एबेकस देखो एक कैलकुलेशन की चीज है, अगर आपको वंस और टेंस करना हो तो आप एबेकस से सीख सकते हैं। जैसे ये है 20, तो मैं लिख दूंगा यहाँ 20। यहाँ पर ऐसे भाषा सिखाई जाती है जैसे ये मुझे खुद नहीं पता मैं क्या बना रहा हूँ, पर 3 बना रहा हूँ मैं, फिर 4 फिर 5, तो ऐसे करके 99 तक हमारी काउंटिंग है। 100 तो हमारे एबेकस की भाषा में बहुत बहुत सारी उंगलियाँ लगेंगी तब जाके 100 मिलेगा मेरा। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, अगर आपको पसंद आया लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना जो कि बहुत ज़रूरी है। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।